नोएडा से सामने आई है। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें सेक्टर 8 के नाले में मिले लाश के टुकड़े। नोएडा के सेक्टर 8 में नाले में लाश के टुकड़े मिले हैं। होली के दिन की घटना बताई जा रही है। तो नोएडा के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें सेक्टर 8 में नाले में लाश के टुकड़े मिले हैं और होली के दिन की यह घटना बताई जा रही है। आशंका व्यक्त करी जा रही है कि होली के दिन की यह घटना बताई जा रही है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आई है, जहां नोएडा के सेक्टर 8 में नाले में लाश के टुकड़े मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की नोएडा से, आपको बता दें। नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सेक्टर 8 से निकल कर आ रही है, जहां अभी अभी ये पता चला है कि इस नाले में, देखिए एक छोटा सा नाला है, इसमें एक लड़की का शव मिला है। सबसे अलग अलग टुकड़े पाए जाने की बात कही जा रही है। देखिए इस नाले में तकरीबन 6 से 7 जो लड़की थे, आप जो आसपास के लोगों का ये कहना है कि जो लड़की है उसके कई टुकड़े यहाँ लोगों ने देखा, उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। देखिए बताया जा रहा है कि होली के आसपास की घटना हो सकती है। जो यहाँ सफाई कर रहे थे उनको अलग अलग होली के पार्ट्स मिले हैं और ये सेक्टर 8 जो है काफ़ी संवेदनशील एरिया है। तमाम लोग अभी भी सफाई कर रहे हैं। देखिए और जो ACP DCP यहाँ मौजूद थे, SHO मौजूद थी, भारी संख्या जो पुलिस है वो मौजूद है, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। जब ये खबर लोगों को पता चली तो आसपास लोगों में काफ़ी सनसनी फैल गई, क्योंकि देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि नोएडा में ऐसे नाले में किसी जो अज्ञात जो शव है वो मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जा रहा है कि जो शव है सबके कई टुकड़े करके इन नाले में डाले और शव के जो हाथ पैर है उसमें कलर लगे हैं, यानी कि होली के आसपास की घटना हो सकती है। एक कई अहम सुराग जब निकलेंगे, जब इसकी फॉरेंसिक जाँच होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी कि आखिर ये लाश किसकी है और कहाँ से ये आई और किस तरीके से इसकी हत्या की गई। मगर जिस तरीके से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लड़की के कई पार्ट्स जो लड़की के बॉडी पार्ट्स कार के नाले में डाले हैं, तो ये कोई बड़ी हत्या की साजिश भी हो सकती है। इंडिया न्यूज़ से मैं महेंद्र माही, नोएडा।